गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? क्लास फाइव, इसके पहले मैंने जो मैथ तुम लोगों को भेजा था संभवतः हो गया हो। आज तुम लोगों का मैथ का क्या बुक है? कितना नंबर चैप्टर है भाई? फाइव तो हो गया था ना, सब एड एड हो गया था, सब्सटेंस भी हो गया था। अच्छा, पूरा फाइव कर लोगे? आज मैं 6.1 करने जा रहा हूं। क्लास फाइव एक्सरसाइज 6.1 क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस मैं आज जो फर्स्ट नंबर क्या 37.15 नहीं तो क्या लिखेंगे? इसी को वर्ड में लिखना है तुम लोगों को। क्या बीच में 37 यानी 37 ठीक है, ये हो गया पहले का 37.1 फाइव, कोई इसे 50 नहीं लिखेगा, 15 लिखेगा, ठीक है। दो नंबर क्या है तुम लोग का मैथ, बोलो? पेज हला मिसिंग हो गया। अच्छा, सेकेंड में बी ए था, ए बी है तो इसको लिखेंगे पहले क्या है, जीरो है ना, तो 0.0.0, ठीक है। उसके बाद क्या है 58, इस टाइप से तुम लोग वन नंबर का फोर मैथ है, ए बी सी डी, मैंने ए और बी कर दिया, सी डी तुम लोग कर लोगे, ठीक है। अब टू मार्क्स, टू नंबर क्या है 36.15, यहां पर लिखा हुआ है होल नंबर डैश डेसिमल पार्ट, पार्ट है तो ये तुम लोग को
ए 36 और डेसिमल के बाद क्या है 54, ठीक है। ए नंबर और मैं इसका और सीख कर दे रहा हूँ 395 है, तो होल नंबर क्या हो जाएगा 395 और डेसिमल पार्ट 051, क्लियर। आंसर चेक कर लो, इसी तरह इसका पूरा क्लियर करोगे। अब मैं 3 नंबर, सेवन सिक्स पॉइंट एट वन क्या बनने के लिए राइट द फ्लोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में तुम लोग को इसको चेंज करना है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, सेवन जीरो ठीक है, उसके बाद सिक्स प्लस एट बाई टेन, एक अंक है पॉइंट के लिए वन और एट के लिए जीरो, फिर वन पॉइंट के लिए वन मान लिए नीचे और एक दो दो टो अंक है ऐसा, ठीक है। ये ए नंबर है, सी नंबर में कर रहा हूं सेवन फाइव फोर, सेवन प्लस फाइव बाई टेन फोर बाई हंड्रेड हो गया, ए और सी हो गया। मैं एक और इसमें कर रहा हूं जी, ठीक है, 800501 सेवन बाई टेन सिक्स बाई हंड्रेड और फाइव बाई 1000, ठीक है। ऐसे इसको एक्सटेंड कर लोगे, 3 नंबर अभी आप पूरा कर लोगे। फोर थ्री जो किए थे उसी को फोर में चेंज करना है, एट ये हुआ, एट सेवन पॉइंट के लिए वन, थ्री बैठ गया, टेन कट गया, टू ए नंबर। मैं डी नंबर कर दे रहा हूं इसका, तो सेवन थ्री एट पॉइंट फाइव फोर थ्री, क्लियर। फोर नंबर भी
तुम लोग कर लोगे पूरा, ओके क्लियर ऑफ दिस मैथ। फाइव नंबर 278 पॉइंट 359 ये घिरा हुआ है, इसका प्लेस वैल्यू निकाल रहा है। ए देखो तो फाइव का क्या आंसर, या तो ए निकाल लो या पॉइंट के लिए वन एक दो तीन थ्री जीरो, ठीक है ये भी हो सकता है। अब इसका पूरा होमवर्क तुम लोग कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं 6.2 कर दूंगा। ओके बाय।